गाइज आज ये रिक्स इसलिए लिया गया है, अभी बताएगी काजल। काजल निशा को क्यों कहा गया बनाने के लिए? हे गाइस वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से व्लॉग में। तो तितली बहुत ज्यादा खुश है और अभी रात के करीब करीब 9:30 बज रहे हैं और हम लोग हैं, सभी को पता है, काजल मिथुन के घर पे है ना बिट्टू। तो हालांकि प्लान था आज हमारा निकल जाने का। बिट्टू आपने क्या खाया है? रेड रेड चॉकलेट। तो देखो देखो देखो, उधर है जेरी, एक डॉगी है जिसको देखो 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 देखो। तो मतलब ये जड़ी देख लेती है ना फिर खुश हो जाती है। बुलाओ उसको, बोलो कम कम कम, बुलाओ आओ आओ, बुलाओ बुला बेटा, आओ आओ आओ, बुला दो। ऐसे बुलाती है जेरी को, ऐसे पापा। तो अभी बाकी लोग सभी अंदर है और जैसे मैं भी अभी आया बाहर, थोड़ा गया था कुछ काम से है ना बेटा। पापा चलो चलते मम्मा, देखते क्या करती है। आई आई खुश खुश पापा के पास आके बेटे को मिलता है। पापा पापा चलो अजरिक से चलना है क्या? जेरिको आ जाओ गाइस, पहले इनको डॉगी दिखा दो। गाइस ये देखिए निशा यहाँ पे क्या कर रही है, बना रही चिकन। क्या बात है, यहाँ भी कुकिंग, ओह माय गॉड। वो दो लोग इधर बैठे हुए हैं, क्या अच्छा लग रहा है। अरे ये खाना बनाने में तो बहुत आगे है हमारी मेहराबानी। कमेंट में ये ना बोल दे की पूजा बैठे हुए और ये लोग। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो लोग बच्चे संभाल रहे हैं यार, देख सकते हैं कितना लोग बनाएगा। आप ऐसा नहीं सोचे, बच्चे भी और ऐसे भी कार्तिक को फीवर हो गया है, कार्तिक को फीवर भी हो गया है। ये देखिए तितली को देखिए, खुशी। चलो क्या देखिए, तितली का सबसे ज्यादा मन लग रहा है यहाँ पे। बहुत बदमाशी की है ना, हाँ बर्शन की है। क्या किया अच्छा, ऐसा क्या कर दिया भाई मेरी बेटी ने, जैसे बोल रहे हो ऑन कैमरा बताने वाली बात। अच्छा बाबा मैं तो डर गया, बट टेंशन में आ गया हूं, टेंशन में ही आने वाला बात। हां क्या फड़ा ऑफ कर दिया तो बताएं। गाइस आज ये रिक्स इसलिए लिया गया है, अभी बताएगी काजल। काजल निशा को क्यों कहा गया बनाने के लिए? क्योंकि ये इतना टेस्टी वाला, हां मछली बहुत टेस्टी बनाई थी सचिन भाई के घर, तो इसीलिए। और मिष्टी तो खैर चख चुकी है बहुत अच्छे से। हाँ भाई सब कुछ बहुत टेस्टी बनाती है निशा खाना। बस तुम लोग कार ले लिए हो, लेकिन इधर 20 दिन तक मत आना, पहले गाड़ी खूब अच्छा से चलाना सीख लेगा वो, तब उसके बाद आओ घर पे। नहीं ज्यादा इधर उधर भी नहीं, वरना नया कार है, इधर से स्क्रैच लग जाएगा। नहीं जाने दूंगी, जा स्क्रैच लग जाएगा। नहीं नहीं आना, अब मेरा ये नहीं खा रहा है भैया, मतलब नहीं खा रहा, आपको मुंह में एकदम दबा के दे रहा है। मुझे तो खिला रही है, मैं थोड़ी खाऊंगा। ये देख आस्ते आस्ते करते सीखना, ओपन फील्ड में पहले सीखेंगे अच्छे से। नहीं अभी चला के लाया वो, मानसी ब्लॉगिंग भी करती है। तितली को देखो, ये देखो बजाने के लिए, तेरे बजा दो थोड़ा। हाँ तितली को देखो भाई। हेलो मानसी कैसी हैं आप? तो मानसी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मानसी चैनल का नाम बताओ, चलो चैनल का नाम बताओ। मानसी की दुनिया, मनीषा की दुनिया की मानसी की दुनिया। हाँ, और पर परी भी आई है। हाँ परी भी आई हुई है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो कल तो गुड मॉर्निंग। तो गाइज अभी सभी को पता है कि हम लोग हैं काजल मिथुन के घर पे, और रात में तो क्या बताऊँ बहुत मजा आया, बारिश, खाना पीना खाए और ऊपर से भाई जो झमाझम मतलब बारिश हुई, भगवान भी खुश हो गए थे है ना बेटा, तो मजा आ गया पूरा। पूजा के गोदी में वो जबरदस्ती चढ़ा है अपनी मम्मी को छोड़ के। हाँ कभी कभी लो तो नहीं आता था, और पूछी दे दो बेटा बेटा पूछी दे दो, तो आज सुबह मैंने लेके इसको घुमाया ना, उसके बाद से ये मेरे पास आ रहा है। पूछी दे दो पूजा को, पूछी दे दो इसको, पूछी दे दो, पूछी दे दो, एक कुछ नहीं कह रहा, ले चलो घुमाने। हम समझ गए भाई यार, बच्चे बहुत चालू होते हैं।
और हम भी बाहर तितली को लेके आए हैं, इसको जड़ी देखना है। तितली नहा धोवा के एकदम रेडी हो गई है, निशा ने कर दिया रेडी इसे। और कल भाई पूरी कार आई तो काफ़ी रात हो गया, आते आते तो हम लोग को करीब करीब भाई 9 बज गए थे घर पे आते आते, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था। और बगल में भाई सरसों का खेत, अभी सोच रहे कि थोड़ा बहुत रील्स वील्स बनाएंगे, उसके बाद घर की तरफ निकलेंगे, है ना बेटा? जेडी कहाँ गया? बोला तो जेडी कम कम जेडी को ये भी बुलाती है बहुत प्यार से। तो ये है वो गाड़ी टाटा नेक्सन, और सुबह सुबह हम लोग एकदम ड्राइव करके आए, मस्त घूम फिर के लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। और रुद्र भाई का इधर कार लगा हुआ है, तो मज़ा आएगा सभी का। और ये इनका घर है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, यानी बन ही रहा है ना? यही वाला घर है जो अभी बन रहा है। हाँ, अभी बन जाएगा, बहुत जल्दी गृह प्रवेश होगा, जल्दी 5 महीने बाद फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे गृह प्रवेश में सबको। यहाँ आएंगे लोग, क्या देख रही बेटा? आसमान, इसको अभी आसमान दिख रहा है खूब अच्छा। और अभी थोड़ा बारिश हो गया वरना मैं इसको नीचे छोड़ देता, वरना कल तो ये सरसों के खेत में आते आते चली गई थी, खूब अच्छे से खेल रही थी, है ना बेटू? कल ही आते आते ना मिथुन भाई सरसों के खेत में चली गई थी और खेल रही थी, इसको पीला पीला फूल बहुत अच्छा लग। या इसको जाना ही है सरसों के खेत में, सामने है। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह रात में इतना मस्त नींद आया, बारिश हो रही थी झमाझम, एकदम आवाज आ रहा था। और हम लोग सो गए, इधर काजल मेरे लिए नींबू वाली चाय बनाई है। वही कार्तिक नहीं करेगा? अच्छा, हमको लगा उसके अंदर हाथ घुसा रहे हैं बच्चे ना, इतना शरारती है, इतना शरारती है। मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर कुछ गिरा दे रहा है, कोई उधर पड़ा दे रहा है। इधर बनेगा दूध, इधर बनेगा सब्जी एंड रोटी, प्लेन रोटी बनेगा। बस खा पी के फिर हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में घर के लिए, क्योंकि अब घर जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अदरवाइज मम्मी जी एकदम गुस्सा होकर आगे बोला करेंगे, 2 दिन का नाम लेके तुम लोग 1 हफ्ता गायब हो जाते हो, तो अच्छा नहीं लगता हमें भी कभी कभार। क्योंकि हम लोग को तो पता था 2 ही दिन शादी का, कपड़े भी मैं 2 दिन के ही लेके आई थी, इतना दिक्कत भी उसी को धो धो के पहन रही हूँ। और आप लोगों को लगेगा शायद कपड़े नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं है ना, कपड़े नहीं है, रियली में नहीं है। हाँ नहीं है, समझो तो वही रिपीट करके धो धो के पहनना पड़ रहा है। मैं भी धोई थी कपड़ा व्हाइट वाला पहन के जाने के लिए, वो रात को बारिश ने पूरा भिगा दिया, नीचे गिरा दिया था पूरा मिट्टी। मैं भी 4 बाल्टी कपड़ा धोई थी, सारा वैसे गिर गया था वहाँ पे। कल हड़बड़ी में ये लोग ऐसे चले गए, बाहर का कपड़ा बाहर ही रहा रात में। रात को आई थी मेरे को पता, एक बार याद आया कि उतार लो उतार लो, फिर मैं यार बारिश ऐसे होगा नहीं, बिन मौसम बरसात कैसे होगा, फिर देखो रात को ही हो गया। और बहुत अगर उस टाइम करती ना तो मैं उठा के ले आती, अचानक से एकदम बारिश हो गया। कार्तिक है, कार्तिक उधर मानसी, हमारी मानसी बहुत अच्छी लड़की है, चलते हैं चाय वगैरह पीते हैं। कि अभी हमें घर के लिए भी निकलना है, बहुत सारा काम भी है, क्योंकि अभी हमें एक बार और एजेंसी भी जाना है, तो अब देखिए क्या होता है कैसे होता है। क्योंकि मिथुन भाई कह रहे हैं कि भैया रुद्र भाई चलिए एजेंसी चलिए, तो देखिए अभी क्या होता है, क्या डिसीजन लिया जाता है। हम लोग सोच रहे कि एक ड्राइवर मिल जाए तो उधर से उधर हम लोग घर की तरफ भी निकल जाएंगे, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम है। और सबसे ज़्यादा हमारा बच्चा पार्टी सब परेशान किया हुआ है, क्योंकि गाइस समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, और बारिश का मौसम हो गया है, तो इसीलिए अभी निकलेंगे घर की तरफ। एनी वे आप लोग बने रहे, खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए।